मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का अर्थ तथा महत्व। अब कहते हैं अनुशासन राष्ट्र को जीवित रखने के लिए साधन है, विद्यालय जीवन में इसका विशेष महत्व है। अनुशासन रोमन भाषा का शब्द डिसिप्लिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सीखना, प्रशिक्षण लेना। उत्तम उदाहरणों तथा उच्च परंपराओं में प्रेरित बाधाओं होते हुए रहना। रूसो के अनुसार बच्चों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनके साथियों ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है। ये विचार उन्होंने आज से 300 वर्ष पूर्व प्रकट किया था। इस विचार का आधुनिक शिक्षा शास्त्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। रायबर्न के अनुसार विद्यालय में अनुशासन का साधारण अर्थ है कार्यों को करने में व्यवस्था एवं क्रमवृद्धा, नियम तथा आशाओं का पालन। नवीन विचारधारा के अनुसार बालक शिक्षा का केंद्र है, इसलिए बालक को मनोवैज्ञानिक तरीके से तार्किक शक्ति उत्पन्न करने, उचित एवं अनुचित का ज्ञान कराया जाए। बालक में अच्छे गुण उत्पन्न करके हम अनुशासन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं और नैतिक चेतना स्थापित कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में उचित अनुशासन स्थापित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं, सजेशंस टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन स्कूल्स। अब ये कहते हैं कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के निकटतम संबंध स्थापित करना, टीचर स्टूडेंट क्लोज कॉन्टैक्ट बी मेंटेन। अध्यापकों को विद्यार्थियों के पिछड़ेपन को समझ कर उसके अनुसार उनका नेतृत्व करना चाहिए। अध्यापक का व्यक्तिगत भय तथा दबाव वाला नहीं, अपितु एक मित्र और पद प्रदाता वाला होना चाहिए। शिक्षा राजनीतिक प्रभाव के स्वतंत्र हो, एजुकेशन शुड बी फ्री फ्रॉम चीप पार्टी पॉलिटिक्स। राजनीतियों पार्टियों द्वारा विद्यार्थियों को प्रचार करने के लिए नहीं लगाना चाहिए, उन्हें राष्ट्रीय राजनीति की अच्छी प्रकार समझ तथा सराहने योग्य बनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि शिक्षक विधियों का सुधारना, मेथड्स ऑफ टीचिंग शुड बी इम्प्रूव। शिक्षा के ढंग ऐसे होने चाहिए जिसमें बालक स्वयं कार्य करके वास्तविक रूप में शिक्षा प्राप्त करे। इस प्रकार व्यवस्थित रूप में कार्य करने हेतु उनके ध्यान शरारतों की ओर नहीं लगता। विद्यार्थियों की निराशा को दूर करें, टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों की निराशा को दूर करने के लिए अवश्य ही कोई प्रयत्न करना चाहिए। इनकी धन संबंधी कठिनाइयों को दूर करना चाहिए, उन्हें कुछ समय के लिए ऐसा कार्य देना चाहिए जिसे उन पर शारीरिक तथा मानसिक बोझ ना पड़े। निर्धन बालकों का नाम मात्र मूल्य पर खाना दिया जाना चाहिए। पांचवा है स्कूल के प्रबंध का प्रजातंत्र बनाना, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन। विद्यालय का प्रत्येक कार्य प्रधानतंत्रीय आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। अध्यापक तथा विद्यार्थियों को विद्यालय का कार्य सहयोग से ही करना चाहिए, ऐसे विद्यार्थियों के हाथ में वह प्रधान नहीं देना चाहिए, वो अपना उत्तरदायित्व ना समझ लें। सहगामी क्रियाओं का प्रबंध करना, कोकुलर एक्टिविटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड। सहगामी क्रियाओं की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों के विचारों को सही मार्ग पर लाया जा सके। इन क्रियाओं के लाभकारी समझाना जाना चाहिए कि क्रिया बालक को अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान करती। इसलिए मौलाना आज़ाद ने कहा था, अनुशासन तो नौजवानों को शक्ति को उचित मार्ग पर दिखाने से प्राप्त हो सकता है, दावे से नहीं। डिसिप्लिन में भी अचीव बाय गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन टू द एनर्जी ऑफ द यूथ एंड नॉट बाय सप्रेशन। आगे हम पढ़ते हैं, आगे कहता है कि मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल फैक्टर। बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक आधार के अनुसार
व्यवहार नहीं किया जाता, उनके विचारों और भावनाओं को देखने का प्रयास नहीं किया जाता, उनकी शक्तियों को उचित कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, उनके बारे अध्यापक और माता पिता इन पर अनुचित प्रभाव डालते हैं कि बालक विशेष होकर अनुचित कार्य करने पर विवश हो जाते हैं और अनुशासन की भी परवाह नहीं करते। अब कैसे इनके ये अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हम पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के छोटे छोटे दोषों के लिए कड़ी सजाएं देना। दूसरा है, अनुशासन की पुरानी विचारधारा को मानकर विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रेरणा को कौतूहल की भावना को दबाना। फिर कहता है कि भारतीय शिक्षा आयोग जो कि 64 और 66 के द्वारा अनुमित अनुशासनहीनता के कारणों की ये विशेषता, कहता भारतीय शिक्षा आयोग के विचार के इस असम व्यवहार के नियमों का कारण है। क्या क्या है देखिए, 6 कारण बताए गए हैं। कहता विद्यार्थियों का अनिश्चित भविष्य पर परिणाम स्वरूप भाव का जन्म, अधिकांश संस्थाओं में पढ़ने लिखने और पढ़ाने की सुविधाओं का स्वार्थ अभाव, अनेक अध्यापकों की विद्यार्थियों को समस्याओं में रुचि लेने का असमर्थ का होना, अध्यापक विद्यार्थी के नगण संपर्क का होना, राजनीतिक दलों के संबंध के कार्य में हस्तक्षेप करना, देश के सार्वजनिक जीवन का ये प्रभाव, व्यवस्थाओं के अनुशासन के गिरते स्तर, नागरिक चेतना तथा ईमानदारी का ह्रास होना। प्रोफेसर हिमायूं कबीर ने एक अनुशासनहीनता के संबंध के कारण बताए हैं। कहता अध्यापकों का नेतृत्व ना रहना, आर्थिक कठिनाइयों की उत्पत्ति, आदेशों का ना रहना, वर्तमान शिक्षा पद्धति में दोष। अब हम पढ़ते हैं डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के सिद्धांत। अनुशासन की स्थापना कुछ आधारभूत नियमों पर आधारित है और आजकल जनतांत्रिक युग में ब्रह्मा की यह अपेक्षा व्यवस्था का श्रेष्ठ स्थान समझा जाता है। अब मनुष्य अब है कि मानवीय गुणों के प्रति आधार, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन क्वालिटीज। अब ये कहते हैं कि मानव के गुणों का अपार भंडार है, किंतु बालक कभी कभी अमानवीय कार्यों भी कर बैठते हैं। इस अमानवीय कार्यों के प्रति घृणा उत्पन्न करके मानवीय सद्गुणों के प्रति आदर जागृत करना ही अनुशासन का प्रधान लक्ष्य है। आत्मनिरंतर, सेल्फ कंट्रोल, यदि बालकों में ये भावना उत्पन्न कर दी जाए तो वह अपने आप पर निरंतर रखकर कोई अवांछित कार्यों नहीं करेंगे और अनुशासन का सच्चे अर्थों में हृदय से पालन करेंगे। प्रेम, लव, अर्थात स्थाई अनुशासन स्थापित करने के लिए बालकों में वह गुण लाया जाए, इस गुण के अध्यापकों में स्नेह भाव कायम होगा। सुरक्षा की भावना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा चाहता है और बालक में ये भाव जागृत करना चाहिए कि नियम आदि उनकी सुरक्षा के लिए हैं। ट्रेडिशनल फ्रेंडली एनवायरनमेंट, परंपरागत अनुकूल वातावरण, अनुशासन परंपरागत रखा जाए ताकि नवीन छात्र स्वयं अनुशासन में रहना सीख जाए और बालक को ये भी अनुभव ना हो कि वह किसी प्रकार के नियंत्रण में है। दंड का बहिष्कार, बॉयकॉट ऑफ पनिशमेंट, दंड किसी बुरे कार्य को करने से रोकता है परंतु उसमें कोई गुण उत्पन्न नहीं कर सकते। दंड द्वारा किसी भी बालक के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते, भयभीत यवश कर देते हैं, अतः अनुशासन व्यवस्था में दंड का आश्रय नहीं लेना चाहिए। आगे है अनुशासन विभिन्न सुविधाओं की पृष्ठभूमि, डिसिप्लिन इन द बैकग्राउंड ऑफ वेरियस फैसिलिटीज।
अनुशासन अनुशासन के लिए नहीं होता, मानवीय पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत रक्षा की व्यवस्था, आदर्श प्रधानापक एवं अध्यापक और इसमें संसार की शांति की बात भी आती है। आठवां पॉइंट है, विद्यालय अनुशासन सामाजिक अनुशासन का प्रथम सोपन है। स्कूल डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल डिसिप्लिन। शिक्षा बालकों को भावी समाज के लिए तैयार करती है, इसलिए बालकों में आपकी सहयोग की भावना बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल। कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन इन द स्कूल का मतलब है विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहले है धन की कमी, लैक ऑफ फाइनेंस। हमारे देश में काफ़ी लोगों की आर्थिक दशा खराब है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी आवश्यकताओं को ठीक प्रकार से पूरी नहीं कर सकते। साधारण छात्रों के माता पिता की आर्थिक हालत अच्छी ना होने के कारण बच्चे निराश और तंग रहते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में छात्रों के अंदर समाज के विरुद्ध विरोध की भावना उत्पन्न होती है और वह झगड़े और अनुशासनहीनता के कार्य करते हैं। अब आगे इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, अध्यापक में नेतृत्व की कमी, लैक ऑफ लीडरशिप इन टीचर्स। कई कारणों से छात्र और समाज में नेता आगे होकर कार्य नहीं कर सकते। ये कारण है जैसे शिक्षा पद्धति की अधिक आलोचना, कम वेतन और बनिराशा, इच्छा के ये विपरीत बालपूर्वक धंधे का अपनाने के लिए विवश होना। इसके अतिरिक्त ये अध्यापकों द्वारा कार्य करने और राजनीतिक नेताओं का शिक्षा संस्थाओं पर निरंतर होना भी ये अध्यापकों की शान और मान को घटाते हैं। अगला तीसरा पॉइंट है, कहता है कि डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति के कई दोष भी अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे छात्रों के अंदर सदा चरित मूल्य पैदा करने के लिए शिक्षा नहीं दी जाती और ना ही उनके पूर्ण विकास के लिए यत्न किया जाता है। मौलाना आज़ाद ने कहा है कि बच्चों के अंदर झगड़े और बेचैनी की प्रवृत्ति जन्मजात नहीं होती, बल्कि उनके अंदर ये बेचैनी होती क्योंकि उनके विचारों को प्रकट करने का अवसर नहीं दिया जाता। अब F.W. पार्कर ने भी कहा था कि बच्चे ठीक प्रकार कार्य नहीं करते क्योंकि उन्हें इस प्रकार करने की स्थितियां नहीं मिलती। F.W. पार्कर ने ये स्पष्ट कर दिया था, शिक्षा का आधार छात्रों के मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं होता, इसलिए बच्चे इसमें रुचि नहीं लेते। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों को पूर्ण सुविधाएं नहीं दी जाती। परीक्षा पद्धति को बड़ी दोषपूर्णता, ये अधिक सट्टेबाजी की उत्साहित करती है और बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरणा नहीं देती। इसलिए बहुत संख्या फेल होने वाले की होती है और इसमें बनिराशा बढ़ती है। शिक्षा का आधार छात्रों के मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं होता, इसलिए बच्चे इसमें रुचि नहीं लेते। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छात्रों को पूर्ण सुविधाएं नहीं दी जाती। परीक्षा पद्धति बड़ी दोषपूर्ण है, ये अधिक सट्टेबाजी को उत्साहित करती है और बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरणा नहीं देती। इसलिए बहुत संख्या फेल होने वाली होती है और इसमें निराशा बढ़ती है। स्कूलों में सहगामी क्रियाओं का प्रबंध ना होने के कारण बच्चों की शक्ति को कार्यनिधि नहीं किया जा सकता। यह अध्यापक और छात्रों से निकट का संबंध नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम छात्रों को कार्य में प्रेरित होने की आशा नहीं रख सकते। अब इसमें इन्होंने
एक एक जो चौथा है कहते तानाशाही आचरण अथॉरिटेटिव करेक्टर। अनुचित तानाशाही आचरण भी ये विद्यार्थियों और शिक्षा अधिकारियों के बीच झगड़े का कारण बनता है। विद्यार्थियों के दुखों का सहानुभूति पूर्ण ना सुलझाते पर वे विद्रोह का रूप धारण कर लेते हैं। तानाशाही व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिकारियों का सत्कार ना करना, झगड़ा करना, समय पर स्कूल ना आना, घर का कार्य ना करना बकर लाना, जनता के संपत्ति को नष्ट करना, बुरे शब्द बोलना, लड़कियों को छेड़ना, बच्चों को तंग करना आदि। दूसरा होता है राजनीतिक कारण। दूसरा क्या है? राजनीतिक कारण, जिसे हम पॉलिटिकल फैक्टर कहते हैं। कहते हैं कि विद्यालयों में ये कारण भी अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो स्वतंत्रता संघर्ष के समय विद्यालयों की सहायता ली थी, उस समय ही उन्होंने नागरिक आज्ञा का उल्लंघन, हड़तालें, आंदोलन तथा सरकार को धोखा देने के ढंग अपनाए थे। पर अब तो विद्यार्थी अपनी सरकार के होते हुए भी विद्यालयों और कॉलेजों में अपनी मांगें मनवाने के लिए ये ढंग प्रयोग में लाते हैं। इसलिए अतिरिक्त कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी राजनीतिक उद्देश्यों के पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को उकसाते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे इसी श्रृंखला में। वो कहता है लैक ऑफ आइडलिज्म इन सोसाइटी, समाज में आदर्शवाद की कमी। बालकों का स्वभाव सदा आसपास पर आधारित होता है। वो देखते हैं कि समाज में भी सामाजिक और सदाचार के नियमों का ये उल्लंघन होता है। उनके माता पिता और अध्यापक उनके लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए उनके अंदर भी सामाजिक और सदाचार के नियमों के लिए सत्कार समाप्त हो जाता है और वो अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है। आगे जो लास्ट है वो कहता है कि विद्यार्थियों का अपनाना आचरण, पर्सनल द करेक्टर्स ऑफ द पीपल्स। कई बार विद्यार्थियों के अपने आचरण में कुछ दोष होने के कारण वह अपने आप को आसपास के अनुसार नहीं डाल सकते। वह दोष कई प्रकार के हो सकते हैं। बालक में शारीरिक या मानसिक कमियां हो सकती हैं। उसे अपने आप के दूरों को ऊंचा या नीचा भी लग सकता है। एडोलेसेंट एज, जो कि किशोरावस्था होती है, में उसमें कई परिवर्तन आ सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के बहुत सी ऐसी बुरी आदतें आ जाती हैं जिन्हें वह दूर नहीं कर सकते। इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। अध्यापकों के मान का पुनः स्थापित करना, टीचर्स प्रेस्टिज मस्ट बी रिसॉर्टेड। ये अध्यापकों को मान और सम्मान देकर उनकी पदवी महत्वपूर्ण बनाई जाए, जिससे कि अपने धंधे में रुचि लेकर कार्य करें। इसलिए उनका वेतन यह बढ़ाया जाए और उनका सामाजिक स्तर ऊंचा किया जाए। एक मंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि अध्यापकों से चपरासियों का वेतन अच्छा है, इसलिए अध्यापक विद्यार्थियों की ओर ध्यान नहीं देंगे और अपने धंधे को सुधारने के लिए ही प्रयास करेंगे। आखिरी पॉइंट है इसमें एजुकेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़, सदाचारिक विषयों की शिक्षा ये प्रदान करना। बालकों को सदाचार की मान्यताओं का महत्व वास्तविक रूप में दिखाना चाहिए। धार्मिक शिक्षा द्वारा ही ऐसी मान्यताओं की शिक्षा देनी चाहिए। इसके साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।